हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों से ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते मंडी तथा कांगड़ा में भारी बारिश, ओलावृष्टि तो तेज हवाओं के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी आशंका मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जताई है। 24 मार्च तक फिलहाल प्रदेश का मौसम इसी तरह से बना रहने की भी आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 24 मार्च तक मौसम का मिजाज प्रदेश में बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यदि हिमाचल प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह की मानी जाए तो उनके मुताबिक अगले 24 घंटे भी मंडी एवं कांगड़ा जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि मंडी तथा कांगड़ा जिला के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की उम्मीद बनी हुई है तथा अन्य क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि तथा तेज हवाएं बहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि वहीं यदि बात की जाए तापमान की तो हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तापमान की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम तापमान 0.2 केलांग तथा शिमला का 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी 24 मार्च तक इसी तरह से मौसम प्रदेश की जनता को सताता रहेगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में कल से चल रहा है, और जिसमें पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के मैनी प्लेसेस पे बारिश भी रिकॉर्ड की गई, स्नोफॉल भी हुआ है जो ऊपर के इलाके हैं, जिसमें लाहौल स्पीति कुल्लू के ऊपर के इलाके में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल रहा। किलोंग में 9 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया, और जो बारिश है वो भी लगभग जो काफ़ी जगह से रिकॉर्ड की गई। मैनी प्लेसेस जो जहाँ मोस्ट प्लेसेस पे बारिश रही है, जो सबसे ज़्यादा बारिश है वो मनाली में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब आने वाले जो दिन है इसमें भी WD का इफेक्ट रहेगा, अगले जो 48 घंटे तक बारिश और स्नोफॉल हो सकती है। आज कुछ एक जगह पे हैवी स्नोफॉल बारिश की वार्निंग भी दी गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी और कांगड़ा का इलाका है जहाँ पे हैवी बारिश हो सकती है, और जो ऊपर के इलाके हैं उसमें स्नोफॉल रहेगी, लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल रहेगी। कल भी मौसम जो होगा इसी तरीके से बना रहने की उम्मीद है, जिसमें जो बारिश और स्नोफॉल है वो मोस्ट प्लेसेस हो सकती है, और उसके बाद मौसम जो है वो ठीक हो जाएगा। जैसे यदि बात की जाए, अभी एक्चुअली जो अलर्ट नहीं है, जो वार्निंग दी है ये येलो कलर की रहती है। येलो कलर की वार्निंग में सिर्फ ये रहता है कि आप अपडेट रहें, और ऑरेंज कलर की भी वार्निंग दी हुई है, जिसमें जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, जो वार्निंग रहती है एक तरह वो रेड कलर की रहती है। तो इसमें जो अपना जो ऑरेंज कलर है जहाँ येलो कलर है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं रहती है। येलो कलर का मतलब होता है कि आप अपडेट रहें, और ऑरेंज कलर का रहता है कि जस्ट बी प्रिपेयर्ड, मतलब जैसे कि हमने 2 डिस्ट्रिक्ट में वार्निंग दी हुई है, एक डिस्ट्रिक्ट मंडी है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ऑरेंज कलर की वार्निंग है, तो इसका है मतलब कि आप थोड़ा सा मतलब प्रिपेयर रहें कि कोई हैवी शावर भी आ सकता है, जहाँ इस तरीके के कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज जो है ऐसे अभी तक कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। हाँ, अभी जैसे कल भी क्लाउडीनेस थी, कुछ एक जगह बारिश भी हुई दिन में भी, रात को तो मोस्ट प्लेस पे बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन जो बारिश की वजह से या क्लाउडीनेस की वजह से पिछले 24 घंटों में जो दिन के तापमान से उसमें 2 से 3 डिग्री तक गिरावट रही, लेकिन आज जो मिनिमम टेम्परेचर थे उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो कल के मुकाबले जो आज जो कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा, और सबसे कम तापमान 0-0.2 डिग्री किलों का ही रिकॉर्ड किया गया, और शिमला में भी आज तापमान जो है वो 8.0 रहा। अभी जो 2 दिन है इसमें दिन के तापमान में और गिरावट रहेगी, कल के मुकाबले आज जो दिन के तापमान है और फॉल हो सकते हैं, 4 से 5 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर में आज दिन के तापमान में गिरावट रहेगी। अगले 24 घंटों में भी जो तापमान है उसमें जो मिनिमम तापमान होगा उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगी, लेकिन जो दिन के तापमान है उसमें 1-2 डिग्री और गिरावट आ सकती है, और उसके बाद जो परसों से जाने के 24 तारीख से तापमान दिन के जो है वो दोबारा से राइज करेंगे। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।